हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑडिटिंग, और जिसका टॉपिक जो है हमारा इंटरनल ऑडिट। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग कर चुके हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, और इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर ये लास्ट टॉपिक है दैट इज द इंटरनल ऑडिट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कस्टमाइज्ड और स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है। देखो, इंटरनल ऑडिट के अंदर एक स्टाफ जो है स्पेशली रखा जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम है, रिकॉर्ड्स है, उसको वो रिव्यू करे, देखे कि काम जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंटरनल चेक जो है, इंटरनल कंट्रोल जो है, उसके अंदर मतलब प्रॉपरली फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो इंटरनल ऑडिट जो है दैट इज द रिव्यू ऑफ वेरियस ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी बाय द स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। इंटरनल ऑडिट जो है एक स्पेशलाइज सर्विस है, इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर तो एक्सपर्टीज चाहिए चाहिए होती है। साथ में जो लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नॉलेज भी होनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शनल एरियाज है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट की जो सर्विस, जो स्टाफ रखा जाता है, तो ये एक स्पेशलाइज सर्विस होती है जिसके अंदर अकाउंटिंग की नॉलेज तो चाहिए चाहिए, साथ में उन लोगों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और अदर फंक्शनल एरिया की नॉलेज भी चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट के पीछे जो मकसद होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है, इंटरनल चेक सिस्टम जो है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, दैट इज वर्किंग सैटिस्फैक्टरीली। इंटरनल ऑडिट का जो काम होता है वो ऑलमोस्ट एक्सटर्नल ऑडिटर से ज्यादा या कम हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर हैज टू मेक एफर्ट टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, इंटरनल ऑडिट जो है, क्योंकि वो स्पेशली जो है ऑर्गेनाइजेशन ही रखती है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होती है, तो वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो कौन से वीक एरियाज हैं जहाँ पे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और इंटरनल ऑडिटर जो है वहां पे अपनी इम्प्रूवमेंट भी जो है सजेस्ट करता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन एक्टिविटी बाय ए स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फंक्शनिंग एज फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज। देखो, जो इंटरनल ऑडिटिंग का काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं, स्पेशली उनको इसी पर्पज के लिए रखा जाता है, और वो फुल टाइम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी पे करती है। तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे जो है, और क्रिटिकली जो है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्रिटिकली डीपली जो है रिव्यू करते हैं। The Institute of Internal Auditor USA has defined internal auditing as an independent appraisal function which is established within an organization to examine and evaluate its activity as a service to the organization. तो ये एक तरह का कंट्रोल होता है जिसके अंदर जो अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मेयर किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है कि वो प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम जो है ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इट जो इंटरनल ऑडिट है, इट डील्स प्राइमरली विद द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, बट ये ऑपरेटिंग नेचर के साथ भी डील कर सकता है। तो इंटरनल ऑडिट की जो है स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको सेक्शन 138 ऑफ कंपनी एक्ट के जो क्लास या क्लास ऑफ कंपनी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, जिनके लिए जरूरी होता है कि दे हैव टू फाइंड एन इंटरनल ऑडिटर, जो कि सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या सच अदर प्रोफेशनल हो सकता है जो बोर्ड जो है डिसाइड करती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है और एक्टिविटीज है उनका इंटरनल ऑडिट करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल प्रिस्क्राइब करती है कि इंटरनल ऑडिट जो है किस तरह से कंडक्ट करना है, किस तरह से रिपोर्ट देनी है, किस मैनर के अंदर होना है, और कितने इंटरवल के बाद होना है, किस तरह से रिपोर्ट जो है बोर्ड को प्रेजेंट की जाएगी। तो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो काम है, एक तो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, देखना वो सफिशिएंट है,
इफेक्टिव है, और उसी तरह जो उनको जिम्मेवारी दी जाती है वो उनको मतलब क्वालिटी को चेक करना है कि वो सही ढंग से परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इंटरनल ऑडिट जो है दैट इज कंसर्न विद दी बोथ इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करता है, और जो परफॉर्मेंस है उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसकी क्वालिटी को भी चेक करता है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स स्कोप की जो इन्फॉर्मेशन है कितनी रिलायबल है, कितनी उसकी मतलब वो कितनी एक्यूरेट है, उसी तरह ही जो प्लान्स पॉलिसी प्रोसीजर लॉज एंड रेगुलेशन है जो काम होता है उनकी कंप्लायंस कितनी है, एसेट्स की सेफ गार्डिंग के लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई है, किस तरह से एक्चुअली उनको मतलब सेफ गार्ड किया जाता है, और सोर्सेज की इकोनॉमिकल और एफिशिएंट यूज के साथ है, और किस तरह से जो प्रोग्राम्स हैं ऑपरेशंस हैं उनके क्या गोल्स हैं उनको किस तरह से अचीव किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज रिगार्ड इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पे जब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कैरो 2013 इंटरनल ऑडिट फंक्शन हैज रिक्वायर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो जो स्टेचुटरी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बताता है कि ये जो स्पेसिफाइड कंपनी है इसका ये नेचर है ये साइज है, तो इसके अंदर ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है सब्सटेंशियल डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट बट कुछ सिमिलैरिटीज हैं। देखो चाहे इंटरनल ऑडिट है चाहे एक्सटर्नल ऑडिट है दोनों का ये देखना जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं, वो सिमिलर टेक्निक जो है अवेलुएट मतलब यूज करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एवेल्युएशन के लिए। इंटरनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस देन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर आल्सो रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन एन एंटिटी इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। देखो जो इंटरनल ऑडिट का काम है वो मैनेजमेंट डिटरमिन करती है, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जहाँ पे नंबर ऑफ एरियाज होते हैं जहाँ पे इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है तो इनके अंदर जो है म्यूचुअल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। स्टेचुटरी ऑडिटर जो है मे यूज द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एज अ गाइड टू द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल ऑडिट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो असेस कर सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, और ऑडिट प्रोसीजर की जो नेचर है वो क्या अडॉप्ट करने हैं वो मतलब इंटरनल ऑडिट के बेसिस पे डिटरमिन कर सकता है, और उसी तरह नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एज पर दिस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग द रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एक्सटर्नल ऑडिटर है जो रिपोर्ट देनी है वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से रिड्यूस नहीं की जाती कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे वो रिलाई करना है, उसने देखना है कि कितना वो रिलाई कर सकता है और कितना वो रिलाई नहीं कर सकता। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड द एक्सटर्नल ऑडिट। देखो जो इंटरनल ऑडिट है क्योंकि ये इंटरनली अपॉइंटेड जो स्टाफ स्पेशली रखा जाता है उसके द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे होते हैं टू डिटेक्ट प्रिवेंट एरर और फ्रॉड, जो गलतियां होती हैं उनको रोका जाए और फ्रॉड को रोका जाए ताकि मैनेजमेंट की जरूरत को सर्व किया जाए। एक्सटर्नल ऑडिट जो है एक्यूरेसी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग के लिए होता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो स्टाफ रखा जाता है दैट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, और उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है कंपल्सरी नहीं होती ऑप्शनल होती है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है स्टैचुटरी रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं दे आर आइदर अपॉइंटेड बाय द शेयरहोल्डर और बाय द गवर्नमेंट। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो इम्प्लॉयज होते हैं वो पेड इम्प्लॉयज होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर वो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। इंटरनल ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती बट एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी होती है, और उसी तरह जो ड्यूटीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की दैट इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट बट एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर ये लॉ द्वारा मतलब बताई जाती है। इंटरनल ऑडिट जो है थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन ये जो है आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बेस को पीरियडिकली कंडक्ट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है बेसिकली वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जो इंटरनल ऑडिट के लिए बंदे रखे होते हैं उनकी जो रेमुनरेशन है दैट इज फिक्स बाय द मैनेजमेंट बट एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रेमुनरेशन है दैट इज फिक्स बाय द शेयरहोल्डर। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो रिपोर्ट होती है मैनेजमेंट को देनी होती है, ये जो है शेयर होल्डर को देनी होती है। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई राइट नहीं होता कि शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड करनी है बट एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदर ये राइट होता है।
इंटरनल ऑडिट जो है डिटेल चेकिंग करते हैं, एग्जामिन सारी अकाउंट्स एंड बुक्स करते हैं, तो ये डिटेल चेकिंग के अंदर नहीं एक्सटर्नल ऑडिट रिलाई करते, टेस्ट चेकिंग के अंदर ज्यादा फोकस करते हैं।